हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ दिलावेज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कहे जा मैं आपको बताऊंगा कि जब अराइवल पे आप किसी कंट्री से आते हैं तो कैसे जाने कि उनका टेस्ट होना है या नहीं होना। तो गाइस, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी रिस्की कंट्री से आ रहे हैं, जो यूरोपियन जितने भी कंट्री है, जर्मनी है, फ्रैंकफर्ट है, लंदन है, अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो आपका टेस्ट होना ही होना है। अब आप ये कैसे पता करें, तो ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको एक एयर सुविधा पोर्टल आपको फिल करना होता है, इसमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट और आपका पासपोर्ट इसमें सबमिट होता है। उसका जो वहाँ से रिवर्ट आता है, जो आपके एयर सुविधा जो फिल होकर आता है, तो उसमें अगर रेड लाइन है तो आपका टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा। अगर आपका ग्रीन है तो आपका स्टैम्प लग के आप एग्जिट कर जाएंगे। अगर रेड है तो उसके भी दो हैं, उसमें दो टेस्ट होते हैं। एक की जो चार्जेस है वो 2900 है और एक है 300 का। जो 2900 का है उसकी रिपोर्ट है वो एक घंटे में आ जाती है, और जो 600 का है, 300 का है सॉरी, उसकी रिपोर्ट 6 घंटे में आती है। तो बेटर है आपके लिए कि आप 2900 का करें, और वो तभी आप पता लगा सकते हैं जब आप सुविधा में अपना पोर्टल फिल करेंगे। अगर वो रेड आएगा तो आपको टेस्ट कराना होगा, अगर वो ग्रीन आएगा तो आपको टेस्ट नहीं कराना। उसके बाद आप सीधे चले आएंगे इमिग्रेशन, उसके बाद अपना बैगेज कलेक्ट करके और अपना एग्जिट कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको एयर सुविधा पोर्टल ज़रूर भरना होगा, उसी के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका टेस्ट होगा या नहीं होगा। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।